हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। मैं फिर से एक प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ जियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो भी बीपीएससी जियोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम का, अगर जियोलॉजी का अलग से एग्ज़ाम है तो फिर उसके लिए ये क्वेश्चंस बेनिफिशियल हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ जियोलॉजी, मतलब स्पेसिफिक जियोलॉजी टू स्पेसिफिक ही है, जिन एग्ज़ाम्स में मतलब जियोलॉजी बॉटनी दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं वो स्टूडेंट्स भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। और आई डोंट थिंक सो कि हाँ क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल हैं या फिर उस तरीके के हैं, क्वेश्चंस अच्छे हैं और साथ साथ मतलब ये आपका एक तरीके से रिविज़न भी होता रहेगा। बाकी जो भी स्टूडेंट्स जियोलॉजी वाले हैं जिनको क्लास की नीड है, वो मतलब एटलीस्ट अपना नंबर आप लोग बढ़ाइए, क्योंकि पर्टिकुलर दो चार बच्चों के लिए मतलब आप समझ सकते हो ना कि ये चीज़ें मतलब जितना आसान दिख रही हैं उतना आसान होती नहीं है। ठीक है, एक वीडियो को मतलब कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारा मतलब एफर्ट्स लगाना पड़ता है, तब जा कर के मतलब ये चीज़ें अकम्प्लिश हो पाती हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ठीक ठाक मतलब आप अपना नंबर पहले कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद में फिर आप लोग मुझे बताइए तो फिर हम उस हिसाब से स्टार्ट करेंगे। और कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी बता दीजिए कि हाँ जैसे मान लो कुछ बच्चों को किसी में प्रॉब्लम है, कुछ को किसी में प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से फिर हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो आप सभी देख रहे हैं, आप सबके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख करके कि हाँ ठीक है। बाकी किसी भी तरीके की कोई भी मतलब कमी है या फिर कुछ भी और आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म करो। बाकी उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मतलब देखा उसको बखूबी और फिर उन्होंने वहाँ पे अपने रिव्यूज़ दिए हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए वो सारी चीज़ें। बाकी जो बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं समझ रही हूँ आपकी प्रॉब्लम और मैं उस पर काम करने के लिए तैयार हूँ आपके साथ। बस बच्चे आप अपनी रीच को बढ़ाओ, ठीक है, जैसे मान लो अभी 22-23 लोग मतलब वहाँ पे उन्होंने मतलब पोल का आंसर किया है, तो इस चीज़ को और थोड़ा सा शेयर करो, फिर बच्चे हो जाएंगे तो फिर मैं करवा दूँगी, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, बाकी 40-40 क्वेश्चन ही लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि इसमें यह है कि देखो एक्सप्लेनेशन में भी थोड़ा सा टाइम जाता है, अब सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बता दे करके भाग जाना मुझे नहीं लगता कि कोई समझदारी है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैं साथ में, और एक क्वेश्चन में चार ऑप्शन होते हैं, अगर मैं 10 क्वेश्चन भी आपको डेली बेसिस पे करवाती हूँ ना तो भी आई थिंक आपके लिए बहुत है। ठीक है, बाकी देखते हैं जैसा भी होगा आप सभी बताइएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कार्बोहाइड्रेट के और बोल रहा है कि कौन सा है जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ह्यूमंस की बात की जा रही है। तो ग्लूकोज हाँ बिल्कुल कर लेते हैं, सेलुलोज कर सकते हैं क्या हम, नहीं। स्टार्च भी होता ही है, पोटैटो वगैरह में होता है, राइस में होता है स्टार्च हम यूज़ करते हैं, सक्रोज फ्रूट शुगर वगैरह में होता है, तो ये हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या निकल के आता है, सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो एक्चुअली क्या है, ये ह्यूमंस नहीं कर सकते हैं इसको, जो रूमिनेंट्स या कैटल वगैरह होते हैं वो इसको इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उन लोगों जो सेलुलोज है वो ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये एनिमल वगैरह मतलब इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, जो रूमिनेंट्स कैटल्स वगैरह हैं वो सारे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोस्ट ह्यूमन सेल्स आर सराउंडेड बाय एन एक्वस सॉल्यूशन। जो ह्यूमन सेल है वो एक मतलब एक्वस सॉल्यूशन से सराउंड किए रहता है, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ ब्लड प्लाज्मा या सीरम। तो इसमें से कुछ भी नहीं है, हमारा आंसर जो है वो नन ऑफ द अबव है। लेकिन जो एग्जैक्ट इसका आंसर है वो क्या पता है आप सभी को, आई होप कि पता होगा, जिनको नहीं पता है वो बच्चे सुन लें एक बार ध्यान से, कि जो एक्वस सॉल्यूशन है मतलब कि जो ह्यूमन सेल्स को सराउंड किए रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईसीएफ बोलते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। जो बच्चे नोट करना चाहते हैं वो साथ में इसको नोट कर लीजिए, द एक्वस सॉल्यूशन दैट सराउंड्स मोस्ट ह्यूमन सेल्स इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यानी कि क्या है, ECF है। और ECF को भी मतलब इसको ही, और हम इसका जो मेन कंपोनेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर स्टीशियल फ्लूइड।
ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूड बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूड, या फिर इसको और हम किस नाम से जानते हैं, सॉरी, ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूड, ठीक है, विच सराउंड्स द सेल इन द बॉडी। बाकी ECF में और भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे प्लाज्मा वगैरह हो गया, जो कि क्या है, नॉन सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड है एंड कम्युनिकेट्स विद इंटरसेलुलर फ्लूड थ्रू कैपिलरी मेम्ब्रेन पोर्स वगैरह, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूड या ECF अगर आपको देता है ना क्वेश्चन में, तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स रिसीव्स ब्लड थ्रू सर्कल ऑफ विलीज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मतलब थोड़ा सा नया भी है, बाकी जिन्होंने पढ़ा है दैट्स वेल एंड गुड। तो यहाँ पे देखो मैं एक इमेज के थ्रू इस चीज़ को, मतलब एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कह रहा है कौन सी ग्लैंड हमारी बॉडी में, मतलब ग्लैंड्स कितनी है, ठीक है, एंडोक्राइन वाले पोर्शन मतलब चैप्टर से है ये टॉपिक क्वेश्चन। तो ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं पहले तो वो बताना चाहिए। अब कह रहा है कि कौन सी ग्लैंड्स हैं जो रिसीव ब्लड थ्रू सर्कल ऑफ विलीज, ठीक है, तो सर्कल ऑफ विलीज से कौन कौन सी ग्लैंड्स, कौन सी ग्लैंड है जो ब्लड को रिसीव करती है, तो देखते हैं। बाकी यहाँ पे ऑप्शंस हैं, हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस यानी कि किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड की, देन थायरॉयड, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, और फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो पहले डायग्राम देखते हैं फिर आपको इजीली समझ में आएगा। सो बेसिकली यहाँ पे देखो क्या दिया है, सर्कल ऑफ विलीज, सर्कल ऑफ विलीज का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत सारी जो मतलब आर्टरीज वगैरह हैं, आर्टरीज के कनेक्शन को विलीज का नाम दे रहे हैं, ठीक है, सर्कल ऑफ विलीज। अब यहाँ पे देखो ये इस तरीके से यहाँ पे आ रही है, फिर यहाँ पे, फिर इस तरीके से यहाँ पे, और बात हो रही है कि किस ग्लैंड को दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो आंसर हमारा निकल के आता है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। मे बी ये क्वेश्चन आप सबने पढ़ा हो बट मेरे लिए तो ये नया है, तो ये किसको दे रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसको अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, द सर्कल ऑफ विलीज इन सर्कल्स द स्टॉक ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के स्टॉक्स हैं उसको क्या करता है, स्टॉक ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड प्रोवाइड इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस बिटवीन ब्लड सप्लाई ऑफ द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, मतलब कि किसके किसके बीच में, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में क्या कर रहा है, ये कम्युनिकेशंस को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, हाइंड ब्रेन, बिटवीन द इंटरनल कैरोटिड एंड वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम्स, तो कुछ मतलब इस तरीके से है ये चीज़। सो हमारा आंसर निकल के आता है हाइपोफाइसिस, या इसी को और हम किस नाम से जानते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि हंगर सेंटर इज लोकेटेड इन, हंगर सेंटर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो मुझे लगता है ये इसका आंसर तो सबको पता होगा, कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में। और आप बता सकते हो मुझे कि हाइपोथैलेमस और किस किस चीज़ का सेंटर है। देखो अगर बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस क्या है, इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट प्लेज अ की रोल इन होम्योस्टेसिस, ठीक है, यानी कि या फिर बॉडी स्टेट को जो ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करता है इंटरनल प्रोसेस में, वो सारी चीज़ें। बाकी ये क्या है, सबसे पहले तो ये क्या करता है, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, कंट्रोलिंग हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स वगैरह को भी मतलब ये कंट्रोल करता है, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन वगैरह ये सारे हो गए। फिर और भी अगर बॉडीली फंक्शन मतलब और भी जो मतलब बॉडी के हमारे फंक्शंस हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कंट्रोल करता है हमारा वाटर बैलेंस, स्लीप, हंगर, थर्स्ट, सेंस ऑफ फुलनेस, मतलब जब हम खाना खाते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि हाँ मतलब कंप्लीट हो चुका है हमारा, मतलब जो भी हमारी जितनी रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये सारे मतलब सिग्नल्स कौन है, ये हमारा स्टमक जो है वो ब्रेन को देता है, ब्रेन इन द सेंस कि ब्रेन के हाइपोथैलेमस को जाता है, और वहाँ से हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस का रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, मूड और सेक्स ड्राइव वगैरह जैसे बहुत सारी चीज़ें हो गई इसमें। बाकी इमोशंस की भी अगर बात की जाए तो इंटेंस इमोशंस जैसे कि फियर, एंगर, एक्साइटमेंट, ये सारी चीज़ें भी कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, कैन सेंड सिग्नल टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पिट्यूटरी सिस्टम को टू इंड्यूस द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, ठीक है, जैसे फियर वगैरह जब होता है तो देखो हमारी बॉडी का मतलब हार्ट रेट कितना मतलब हाई हो जाता है, हमें स्वेटिंग वगैरह होने लगती है, और मतलब इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई थी। बाकी अगर कभी एक टर्म निकल के आता है
होम्योस्टेसिस, तो ये भी किसका फंक्शन होता है? हाइपोथैलेमस का ही फंक्शन होगा. ठीक है, आई थिंक इतना सफिशिएंट है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन है, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व टू हार्ट एक्सेलरेट्स द हार्ट बीट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये चीज़ जो है वो मतलब किसकी वजह से होती है? तो ऐसी कंडीशन जब होती है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है मतलब वो एक्सेलरेट हो जाता है, तो हार्ट बीट डेफिनेटली हमारी क्या हो जाती है? हाई हो जाती है. तो ऐसी कंडीशन में एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, यही दो हार्मोन जो हैं वो रिलीज़ होते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, रिलीज़ ऑफ एसिटिल कोलिन नहीं, इनहिबिशन ऑफ एसिटिल कोलिन स्ट्रेस नहीं होगा, रिलीज़ ऑफ नॉर एड्रीनलिन, बाकी सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक. जब आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ को ईजिली अंडरस्टूड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. सिक्स क्वेश्चन है, यूरिया इज़ प्रोड्यूस्ड बाय विच एंजाइम. तो यूरिया साइकिल तो सबसे पहले कहाँ होती है ये पता होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एंजाइम्स की अगर बात की जाए तो यूरियेज नहीं होगा, यूरियेज मत लगा के आ जाना, ग्लूटामिनेज भी नहीं होगा, आर्जिनेज होगा. ठीक है, बाकी इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है. देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिटेल में यूरिया साइकिल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. आई नो थोड़ा सा मतलब ब्लर्ड लग रहा होगा आपको, बट ठीक है, आप सुनना जो मैं बोल रही हूँ उस बात को ध्यान से सुनना. ठीक है, जो बायोकेमिकल स्टेप्स हैं यूरिया साइकिल में वो क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये है कि आपको यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, CO2 जब अमोनिया, दो मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के साथ मिलता है तो 3 ATP भी साथ में यूज़ होता है, और ये क्या बनता है फॉर्मूला, NH2CO NH2. ठीक है, तो ये फॉर्मूला है यूरिया का. ठीक है, इसको याद रखिएगा, मैं इसे येलो से थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, और साथ में वाटर रिलीज होता है. तो इतना तो पता चल गया. उसके बाद में देखो यूरिया साइकिल जो है वो कहाँ पे चलता है, तो ऑपरेट्स इन लीवर सेल्स. लीवर सेल्स को और हम किस नाम से जानते हैं, हिपेटोसाइट्स से जानते हैं. ठीक है, और हिपेटोसाइट्स के भी उसमें देखो सम इन साइटोप्लाज्म, कुछ पोर्शन जो है वो कहाँ पे चलता है, साइटोप्लाज्म में चलता है, और कुछ स्टेप्स जो है वो कहाँ पे चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में चलते हैं. ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. उसके बाद में लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया जो है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो. लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया करके जब पूछेगा तो आप आंसर क्या देंगे, हिपैटिक वेन देंगे. ठीक है, लेकिन अगर लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया पूछता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, रीनल वेन होना चाहिए. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको यहीं पर नोट कर लो तुरंत. ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, यहाँ पे देखते हैं कुछ पोर्शन साइटोप्लाज्म में, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है. अब साइकिल में देखो क्या चीज़ है कि स्पेशल बात यह है कि अमोनिया एंटर्स ट्वाइस इन द यूरिया साइकिल. अमोनिया जो है वो यूरिया मतलब कि दो बार एंटर करता है यूरिया साइकिल के लिए. ठीक है, सबसे पहला फॉर्म है जो है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोमोइल फॉस्फेट, CARBOMYOL फॉस्फेट, और दूसरा है एस्पर्टेट की फॉर्म में. ठीक है, ये दो फॉर्म्स हो गई. अब देखो कैसे मतलब स्टार्ट कैसे होता है. यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की. ठीक है, सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं. यहाँ पे CO2 के साथ जब अमोनिया मिक्स हुआ तो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम है. ठीक है, ये जब एज वगैरह इस तरीके की चीज़ें जब जुड़ जाती हैं किसी भी उसके साथ तो वो एंजाइम की बात की जाती है. तो वो किस में इसको चेंज करता है, कार्बोमाइल फॉस्फेट में. उसके बाद में क्या होता है कि ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम जो है वो लग करके इसके साथ में इसको किस में चेंज कर देता है, सिट्रुलिन में चेंज कर देता है. और फिर सिट्रुलिन में जब एस्पर्टेट, यहाँ पे देखो अब सेकंड बार फिर से अमोनिया ऐड हो रहा है. ठीक है, एक बार यहाँ पे हुआ था, सेकंड टाइम यहाँ पे हो रहा है. अब इसके साथ में अमोनिया एस्पर्टेट के साथ मिल करके सिट्रुलिन के साथ ये क्या है, एंजाइम कौन सा लग रहा है, आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज. और यहाँ से फिर साथ में क्या होता है, एक ATP यूज़ हो जा रहा है, और ये क्या बन रहा है, आर्जिनो सक्सिनिक एसिड बना ले रहा है. आई नो थोड़ा सा मतलब टफ है, लेकिन स्टेप्स एक बार पढ़ लो, मैं ये नहीं कह रही कि रट ही लो, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आते हैं. तो ये क्या बनेगा, आर्जिनो सक्सिनिक एसिड, सिट्रुलिन बना था पहले, कार्बोमाइल फॉस्फेट. ये जो एंजाइम्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस, फिर यहाँ ट्रांस एसिटाइलेज,
और उसके बाद में एस्पार्टेट साथ में अमोनिया मिल करके आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज से ये आर्जिनोसक्सिनिक एसिड और साथ में वाटर रिलीज हुआ। अब यहाँ से देखो क्या होता है कि फ्यूमरिक एसिड जो है वो बाहर निकल जाता है और यहाँ पे आर्जिनोसक्सिनेज करके एक एंजाइम लगता है और वो इसको किस में चेंज कर देता है, आर्जिनिन में चेंज कर दे रहा है। उसके बाद में आर्जिनिन में क्या है, ये फिर से ब्रेक होता है दो उसमें। अब यहाँ से देखो एक पोर्शन जो है वो क्या है, यूरिया के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे एंजाइम कौन सा लग रहा है, आर्जिनेज। तो यूरिया को फॉर्मेशन में कौन से एंजाइम की ज़रूरत पड़ रही थी, आर्जिनेज। आपके क्वेश्चन का आंसर यहीं पे निकल के आ गया। और बाकी फिर ये आगे ऑर्निथिन साइकिल बन जाती है और ये कहाँ पे फिर से ऑर्निथिन साइकिल आगे जा करके इसके सिट्रुलिन के साथ मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जब वो रिएक्शन होता है तो वहाँ पे ये पार्टिसिपेट कर जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट हैं इसको, मतलब आई होप कि मैं समझा पाई हूँ आपको, ठीक है। तो इस साइड वाला देखो ऑरेंज कलर से, इधर का जो काम है ये सारा साइटोप्लाज्म में हो रहा है और इस साइड वाला ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो ये ऑर्निथिन साइकिल है इन हिपेटोसाइट सेल ऑफ लिवर, ठीक है। इसके नीचे आप अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, चलो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, मेरे पास वहाँ पे जगह नहीं है। ऑर्निथिन साइकिल इन हिपेटोसाइट सेल ऑफ लीवर, ठीक है। ये इसके चार्ट के नीचे आप लिख लेना। तो आई होप कि यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। तो WBCs जो हैं वो पहले दो भाग में डिवाइड होते हैं ना, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वहाँ पे क्या जाते हैं हमारे पास, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और जो ए ग्रेन मतलब कि नॉट पूछ रहा है, ठीक है, नॉट ए ग्रेनुलोसाइट, तो नॉट पूछ रहा है यानी कि सबसे पहले हम किसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट्स में हमारे आ जाएगा बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और एजिनोफिल्स, ठीक है, ये तीनों आ जाते हैं। अब बात हो रही है ए ग्रेनुलोसाइट्स की, तो ए ग्रेनुलोसाइट्स की जब बात की जाएगी तो वहाँ पे हमारे दो निकल के आते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट और दूसरा होता है मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट यहाँ ऑप्शन में मेंशन नहीं, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, मोनोसाइट्स होगा। बाकी ये भी थोड़ा सा है डिटेल में टॉपिक ले जाने लायक, लेकिन ठीक है, चलो बाद में देखेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम अफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अलावा भी ऐसा कौन है जो मतलब अच्छी खासी अफिनिटी रखता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो सबको पता है कि कौन है वो, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कितने परसेंट होता है, शायद 200% जो है वो ज़्यादा उसके साथ एफिनिटी बियर करता है। एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है क्या है, आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सिक्रीट एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ जो है वो कौन सी सेल्स सिक्रीट करती हैं, तो बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडीज़ का सिक्रीशन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि द फ्यूमरेज एंजाइम। अब देखो एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं और ये क्वेश्चन किसका है, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से है। क्रेब्स साइकिल में फ्यूमरेज एंजाइम जो है वो किसको किस में चेंज करता है, तो सबसे पहले तो ये याद करने की कोशिश करो कि रेस्पिरेशन से है और ये किस उसमें किसकी बात की जा रहा है। तो ये बात किसकी हो रही है, क्रेब्स साइकिल की बात हो रही है, ठीक है। अब क्रेब्स साइकिल के सारे स्टेप्स और हर स्टेप पे कौन कौन से एंजाइम्स लग रहे हैं ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो थोड़ा सा मैं एक बार मतलब साइकिल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी डिटेल में तो जब अपन पढ़ेंगे तो फिर मैं समझा ही दूँगी, ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा। ये क्या है हमारी क्रेब्स साइकिल है, ठीक है। आई होप विजिबिलिटी आपको क्लियर होगी, नहीं भी क्लियर है तो आप मुझे सुनते रहिए, साथ साथ में समझ में आ जाएगा। रहता है दो एसिटिल कोएंजाइम आकर के यहाँ पे, ये किसका, 6 कार्बन का हो जाता है, यानी कि सिट्रिक एसिड जो है वो कितने कार्बन का बना, 6 कार्बन का बना, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम लग रहा है, एकोनिटेज लग रहा है। उसके बाद में फिर ये किस में चेंज होता है, सिस एकोनिटेज में, ये भी कितने, 6 कार्बन का होता है। यहाँ पे इसका आइसोमराइजेशन होता है जस्ट, यहाँ पर भी एकोनिटेज ही काम करता है और ये आइसोसिट्रिक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर NADP+ जो है वो NADH में इसका यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्सैलोसक्सिनेट साथ में यहाँ पे, ये देखो ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो CO2 है वो यहाँ से रिलीज होता है और एंजाइम यहाँ पे कौन सा लग रहा है, डिहाइड्रोजिनेज लग रहा है, ठीक है।
मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ पहले एनएडी प्लस जो था वो एनएडीएच में चेंज हो गया और साथ ही CO2 भी निकल गया, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों काम यहाँ पे हो रहा है। एनएडी प्लस जो है वो एनएडीएच2 में चेंज हो गया। फिर ये आइसोसिट्री किस में चेंज हो जाता है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, एक कार्बन निकल गया यहाँ से, बचे कितने, 5 कार्बन यहाँ पे बचे। उसके बाद फिर से नेक्स्ट स्टेप में, ये देखो नेक्स्ट स्टेप में फिर से यहाँ पे दूसरा वाला हमारा CO2 निकल जाता है। पहला CO2 यहाँ पे निकला था और दूसरा यहाँ पे निकल गया और साथ ही साथ NADH2 का फिर से रिडक्शन हो जाता है। तो ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर भी कौन सा एंजाइम लग रहा है, अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज लग रहा है। ठीक है, और साथ में कोएंजाइम ए भी लगता है। उसके बाद में अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो 5 कार्बन का था वो फिर किस में चेंज हो जाएगा, एक कार्बन निकल जाने के बाद में सक्सिनाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाता है और साथ में कितने बचते हैं, 4 कार्बन बचते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से क्या होता है, एक यहाँ पे ADP या GDP जो भी मतलब अवेलेबल होता है वहाँ से एक GTP का फॉर्मेशन होता है, या एक GTP जो है वो एक ATP के बराबर होता है, तो हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एंजाइम लग रहा है वो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थायोकाइनेज। ठीक है, दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ ऑलरेडी आस्क्ड इन सो मैनी एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पे क्या है, एक ATP निकला, यानी कि ये क्या है, SLP है। कल एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, पता नहीं जियोलॉजी वालों बॉटनी वालों को करवाया था कि आप लोगों को करवाया था, उसमें भी एक यही था कि कहाँ कहाँ पे SLP देखने को मिलता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में, ग्लाइकोलिसिस वाले में भी हमें मिलता है और साथ ही साथ रेस्पिरेशन में यही है। कहाँ पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रही है। यहाँ पे आई थिंक ये दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये चीज़ हो रही है। तो देखो सक्सिनाइल कोएंजाइम 4 कार्बन का था, इसमें थायोकाइनेज लगा और यहाँ से एक ATP हमें मिलता है। ठीक है, एक SLP मिलता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि आपको SLP किस स्टेप में मिलता है, तो जब सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है वो किस में चेंज हो रहा है, सक्सिनिक एसिड में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हमें एक SLP मिलता है। किस एंजाइम की प्रेजेंस में, थायोकाइनेज की प्रेजेंस में। ठीक है, उसके बाद में ये सक्सिनिक एसिड जो है जब फ्यूमरिक एसिड में चेंज होता है तो यहाँ पे क्या होता है, देखो कौन सा एंजाइम लग रहा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, SDH, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और यही क्या बनाता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो FAD+ है वो किस में चेंज हो जाता है, FADH2 में चेंज हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद में जो फ्यूमरिक एसिड है, फ्यूमरिक एसिड जो है वो किस में चेंज हो रहा है, मैलिक एसिड में चेंज हो रहा है। फ्यूमरिक एसिड मैलिक एसिड में चेंज हो रहा है, ये भी 4 कार्बन का है। अब यहाँ पे देखो जो एंजाइम लग रहा है वो क्या है, फ्यूमरेज एंजाइम है। तो यहाँ पे एंजाइम्स जितने भी हैं ना वो सारे के सारे अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये कहो कि ये साइकिल ही पूरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चैप्टर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाला, लेकिन रेस्पिरेशन वाला तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो अब जो जो मैंने बताया ना यही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से एंजाइम्स लग रहे हैं और इन्हीं एंजाइम्स पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर मिला, फ्यूमरेज कहाँ पे लग रहा है, फ्यूमरिक एसिड जब मैलिक एसिड में चेंज हो रहा है तो हमारा एंजाइम फ्यूमरेज लग रहा है। ठीक है, और उसके बाद में फिर क्या होता है, मैलिक एसिड जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में चेंज होती है तो यहाँ पे मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगता है और फिर ये इसको किस में चेंज कर दे रहा है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में चेंज कर देता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या, NADH2 का रिमूवल हो रहा है। तो हमें कितने NADH2 मिल रहे हैं यहाँ से, देखो एक यहाँ पे मिला था, ठीक है, एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 NADH2 मिल रहा है। और FADH2 कितना मिल रहा है, एक FADH2 मिल रहा है और साथ ही साथ एक ATP या मतलब SLP कह सकते हो। तो ये साइकिल का भी मतलब जो कैलकुलेशन वगैरह होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो एक एसिटिल कोएंजाइम जब आता है तो 2 CO2 मतलब रिलीज होते हैं, दोनों में बता चुकी हूँ आपको, 3 NADH2। ठीक है, किस किस स्टेप पे निकला है ये देख लो ध्यान से। उसके बाद में एक ATP और एक FADH2, और ये सब मिला करके जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कितना होता है, यहाँ पे 12 ATP का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि देखो एक NADH2 से मतलब कितना ATP मिलता है, 3 मिलता है ना, एक से 3 मिलता है, तो 3 × 3 = 9 ये हो गया, एक ATP ये हो गया, और एक FADH2 से हमें कितना ATP मिलता है, 2 ATP मिलता है, तो 2 ये हो गया, तो 9 और 10 तो ये 12 हो गया। और जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम जब चलेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 24 मिल जाता है। तो मतलब ये क्वेश्चन के पीछे मैंने पूरी साइकिल ही एक्सप्लेन कर दी है, आई होप आपको समझ में आई होगी।
बाकी जिनको मतलब जो भी डाउट है वो फिर पूछिएगा आप सभी। बाकी मुझे पता है तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स हो, सबने सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। बट जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा बताना ज़रूरी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा आंसर क्या निकल के आता है? फ्यूमरिक एसिड जब मैलिक एसिड में चेंज होता है तो फ्यूमरेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहे डेंटल फार्मूला इन एडोलेसेंट गर्ल, ठीक है। एक एडोलेसेंट गर्ल है जिसका एज क्या है? बिलो 17 है, ठीक है। मतलब वो अभी टीनेज में नहीं पहुंची है, मतलब टीनेज में है लेकिन ये है कि हाँ वो मतलब पूरी तरह से एडल्ट नहीं है, तो उसका मतलब जो डेंटल फार्मूला है वो क्या हो सकता है? तो वैसे नॉर्मल क्या होता है? 2123/2123 होता है, लेकिन उसमें क्या है जो मतलब लास्ट वाला हमारा जो मोलर है वो मतलब कि जब हम एडल्ट हो जाते हैं तभी वो आता है, मतलब आफ्टर एडोलसेंट आता है, तो उसका मतलब फिर क्या होगा? इसमें से एक घटा दो यानी कि 2122/2122 हो जाएगा। बाकी अगर कोई आपसे पूछता है कि अब इतना तो पता होगा ना कि हाँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें तो मुझे लगता है कि हाँ आप सभी को मालूम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, कह रहे हैं कि पैनक्रियाज सिक्रीट, तो पैनक्रियाज इसमें से क्या क्या सिक्रीट करता है? तो पैनक्रियोजाइमिन नहीं, एंजियोटेंसिन 1 नहीं, सोमेटोस्टैटिन, एंजियोटेंसिन 2। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या निकल के आता है? सोमेटोस्टैटिन, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि सोमेटोस्टैटिन कैसा है, मतलब पॉजिटिव हार्मोन है या नेगेटिव हार्मोन है, मतलब इनहिबिटरी है या प्रोमोटरी हार्मोन? तो ये कैसा है? इनहिबिटरी हार्मोन है। बाकी कल मैंने बताया था ना कि जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, एक बार लिख लेते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यहाँ से इसमें मतलब 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, ठीक है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स तो इसको देखो थोड़ा सा हम एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, इसलिए मैंने मतलब इसको लिख लिया है। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो थे पैनक्रियाज में कल, वो कितने थे? हार्डली 1% ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, बट फिर भी देखो उसमें 4 तरीके के सेल्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा है हमारे पास? अल्फा सेल, ये क्या सिक्रीट करते हैं? ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं। बीटा सेल्स, ये इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, और साथ में एमाइलिन करके भी एक होता है उसको भी सिक्रीट करते हैं। उसके बाद में गामा सेल्स की बात करें तो ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, पीपी करके ये होता है, इसको सिक्रीट करते हैं। और जो डेल्टा सेल्स होती हैं वो सोमेटोस्टैटिन को सिक्रीट करती हैं। सोमेटोस्टैटिन क्या है? अपने आप में एक ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है, ठीक है। इसको और हम किस नाम से जानते हैं? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, विच इज़ एन इनहिबिटरी हार्मोन दैट इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इन दोनों के मतलब अल्फा बीटा के जो सिक्रीशंस है उसको क्या कर देता है? ये इनहिबिट कर देता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बाकी वैसे भी अगर मतलब पता होगा, हाइपोथैलेमस के 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से मतलब 2 तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं, रिलीजिंग हार्मोन भी होते हैं और इनहिबिटिंग हार्मोन भी होते हैं। रिलीजिंग हार्मोन्स की अगर हम बात करते हैं तो GnRH यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, उसमें सोमेटोट्रॉप्स होते हैं। एक बार लिख लो इसको, सोमेटोट्रॉप्स होते हैं। ये कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में, तो ये सोमेटोट्रॉप्स है। ट्रॉप्स वर्ड ही क्या है, मतलब ट्रॉफिक से ऐसे याद रखो कि मतलब क्या करता है, जैसे फूड लेवल वाले में देखते थे ना कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, मतलब चीज़ें वहाँ पे बढ़ती जाती हैं, तो ये ग्रोथ प्रमोटिंग है, ग्रोथ को करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन सोमेटोस्टैटिन मतलब स्टैट कर दे रहा है, स्टॉप कर दे रहा है, चीज़ों को रोकने का काम कर रहा है, तो ये हो गया। बाकी रिलीजिंग हार्मोन की बात की जाए तो ग्रोथ हार्मोन मतलब ये हो गया, GHRH हो गया, PRL हो जाता है, प्रोलैक्टिन, उसके बाद में MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, कॉर्टिकोटॉपिक रिलीजिंग हार्मोन हो गया, CRH या इसी को ACTH के नाम से भी जानते हैं, और GNH यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, जिसमें कि FSH होता है और LH आ जाता है, ठीक है।
बाकी इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स की जब बात की जाएगी तो GHIH यानी कि ग्रोथ हॉर्मोन इनहिबिटिंग हॉर्मोन सोमेटोस्टैटिन हो जाएगा, साथ में PRL की अगर बात करते हैं, PRL इनहिबिटिंग की बात करेंगे तो डोपामीन हो जाएगा, और MSH इनहिबिटिंग की जब बात करेंगे तो मिलानिन आ जाएगा, ठीक है। MSH रिलीजिंग की बात कर रहे हैं तो प्रोलैक्टिन है, लेकिन PRL रिलीजिंग की जब बात करेंगे तो प्रोलैक्टिन आएगा, लेकिन PRL इनहिबिटिंग की जब बात करेंगे तो डोपामीन होगा, और MSH रिलीजिंग की जब बात करेंगे तो मिलेनोसाइट आ जाएगा, और MSH इनहिबिटिंग हार्मोन की बात करेंगे तो मिलेनिन होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है चीज़ें, इनको जब मैं बोलती हूँ तो प्लीज़ आप साथ में इनको नोट करते रहिए, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन के फॉर्म में आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्टीन कह रहा है कि एनिमल्स यूजुअली स्टोर एनर्जी सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ, तो एनिमल्स जनरली किस फॉर्म में मतलब हम स्टोर करते हैं एक्सेस एनर्जी जो होती है वो हमारा किसके फॉर्म में होता है, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एनिमल्स यूजुअली स्टोर एनर्जी सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ, तो एनिमल्स जो हैं वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, फैट प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड विटामिन नहीं, किस फॉर्म में, दे स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, अगर एनिमल्स की बात की जाए, और अगर ये किसके लिए हो जाएगा, एनिमल्स के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर ई निकल के आता है। अच्छा अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, दे स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और बाकी प्लांट्स में बनता तो ग्लूकोज है, ट्रांसपोर्टेटरी शुगर क्या होता है, सक्रोज होता है, और स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है, तो ये दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आंसर क्या है, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एडल्ट लैक्स एंजाइम, एडल्ट ह्यूमन की बात हो रही है, बच्चे की नहीं, एडल्ट में, तो कल मैंने बताया था ना कि कौन सा एंजाइम है जो नहीं होगा, रेनिन, पेप्सिन होगा, लाइपेज होगा, ट्रिप्सिन होगा, प्रोटीन वगैरह तोड़ने के लिए और सारी चीज़ें, रेनिन क्या है, ये स्पेशली किस में पाया जाता है, चिल्ड्रन में पाया जाता है, वो भी पहले कैसा है, प्रोरेनिन रहता है, फिर उसको एक्टिवेट किया जाता है, जाइमोजेंस में आ जाता है ये, तो रेनिन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ क्रोमैग्नन की क्रेनियल कैपेसिटी आपको बतानी है, तो 800-900 नहीं, इसका आंसर क्या है, 1600 cc। बाकी इन सबका मतलब इम्पॉर्टेंट है, इसको देखते हैं शॉर्ट्स के फॉर्म में या फिर किसी क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, इस तरीके से सबका क्या क्या है वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि हु प्रपोज्ड द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, नाम से ही पता चल गया होगा और साथ ही साथ उसका ईयर याद रखिए, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इन 1859, तो ये किसकी बात की जा रही है, अब तो आंसर यहीं पे निकल गया होगा ना, बोलो, डार्विन, ठीक है, डार्विन सर की ये बुक है। ऑप्शंस क्या है यहाँ पे, लामार्क, वैलेस, ओपरिन और डार्विन, तो आंसर क्या है हमारा, डार्विन निकल के आता है। बाकी यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा हम डार्विन सर के बारे में देख लेते हैं। देखो डार्विन सर जो हैं वो सबसे पहले तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, मतलब इनका रियल नेम था, बॉर्न इन श्रूबरी इंग्लैंड में पैदा हुए थे, और इनका मतलब बॉर्न ईयर क्या है, यहाँ पे मैं लिख ले रही हूँ, 1809 से लेके 1882 तक का इनका था लाइफ स्पैन। बाकी जो इन मतलब इनके शिप का नाम क्या था, HMS बीगल, ठीक है, जिससे इन्होंने क्या किया था, ट्रेवल किया था, और कब से कब तक, 27 दिसंबर 1831 से लेकर के वापस कब गए थे, 1836, मतलब पूरे 5 सालों तक ये कहाँ कहाँ घूमे थे, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और गैलापागोस आइलैंड वगैरह, मतलब इन्होंने ट्रेवल किया था, गैलापागोस आइलैंड पर ही इनको वो इनका जो मतलब फेवरेट वो क्या था, कछुआ मिला था ना, उसने क्या नाम था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब ऐसा कुछ है इनके बारे में, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इससे इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा था, वही मैं बताने के लिए बोल रही थी कि अभी शायद झारखंड PGT में आया था ये क्वेश्चन, कि मतलब डार्विन सर की जो मतलब डार्विन सर थे उनकी बुक का नाम तो पता है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, लेकिन
उन्हीं के साथ साथ में मतलब कौन से दो ऐसे साइंटिस्ट थे मतलब जो इसी पर मतलब काम कर रहे थे, तो डार्विन जो थे वो इन्फ्लुएंस हुए थे बाकी दो किताबों से। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन करके एक बुक है, लिख लीजिए मैं बोल रही हूँ, ये थॉमस माल्थस सर ने दिया था। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि पॉपुलेशन पे और मतलब पॉपुलेशन पे और किसने इनके साथ में मतलब काम किया था या इनके पैरेलल कौन काम कर रहा था। तो एसे ऑफ पॉपुलेशन करके एक बुक लिखी गई थी थॉमस माल्थस सर के द्वारा। तो ये डार्विन के मतलब जो थे वो साथ साथ में काम कर रहे थे। और बाकी एक बुक आती है प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी करके, मतलब अर्थ साइंस से रिलेटेड थी। तो वो चार्ल्स, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चार्ल्स LYEL, ठीक है। इन्होंने किस पे लिखा था, जियोलॉजी पे बेस्ड था। ये भी मतलब डार्विन के ही समकालीन थे, मतलब उसी टाइम पे सारे लोग काम कर रहे थे। बाकी अल्फ्रेड रसेल वॉलेस, ये भी क्या थे, एक नेचुरलिस्ट थे जो कि क्या कर रहे थे, हु वर्कड इन मलय आर्चिपिलैगो पर, ये उन्हीं के साथ साथ में मतलब काम कर रहे थे, ठीक है। अल्फ्रेड रसेल वॉलेस एंड डार्विन कलेक्टिवली गेव अ थ्योरी विच वॉज लेटर एक्सप्लेन बाय डार्विन इन हीज बुक ओरिजन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। तो कभी अगर पूछता है वॉलेस सर के बारे में भी तो आपको मतलब पता होना चाहिए। थॉमस माल्थस का बता दिया कि वो भी किस पे, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, एसे ऑफ पॉपुलेशन बुक इन्हीं को द्वारा लिखी गई थी, जियोलॉजी वाली चार्ल्स लेयल थे। तो यही सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की आदत ज़्यादा है, मतलब मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें बताना ज़रूरी है आपको, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको देखो जब आपके पास कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन आप कितने भी आपको सॉल्व कर लोगे डजेंट मैटर, ठीक है। इस वजह से आई होप आप सबने ये सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी। लेट मी क्लियर ऑल दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th वाला, क्या कह रहा है, स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। तो स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन जो है वो किसको शो करता है, माइक्रो इवोल्यूशन, मेगा इवोल्यूशन या माइक्रो इवोल्यूशन को। तो ये किसको शो कर रहा है, माइक्रो इवोल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में है, स्टैनले मिलर इन हिज एक्सपेरिमेंट इन कब किया था, 1953 में, टू सिंथेसाइज अमाइनो एसिड्स यूज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैसेस उस टाइम उन्होंने यूज़ की थी, तो आई होप आपको पता होगा कि उन्होंने क्या यूज़ किया था, मीथेन, CH4, अमोनिया, NH3 और साथ में H हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये सब किस रेशियो में थे, कई बार क्वेश्चन इससे भी निकल के आता है। तो इसका आंसर है 2:1:2, ठीक है। इसको आप अच्छे से मार्क कर लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो ऐसे याद रखना, मतलब जो ये नंबर वाले हैं ना, इवन ऑड पता ही होगा सभी को, तो इवन वालों के लिए 2:2 है और जो ऑड है वो 1:2:1:2, बस इस तरीके से। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे देखो क्या है, मीथेन, अमोनिया एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन सी विल बी द इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में है, ये कल वाला ही क्वेश्चन है, एटाविज्म इन मैन। तो वो क्या करता है, अपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, विच वन इज़ नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ मैन नहीं है, निक्रिटेटिंग मेम्ब्रेन है डेफिनेटली, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी है, कॉक्सी भी है, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस वेस्टिजियल है। मुश्किल ही हो जाएगी ज़िंदगी भर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ स्पीसीज इनहेबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़, ठीक है। कुछ स्पीशी मतलब स्पीशीज़ हैं जो कि क्या कर रही हैं, अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में रह रही हैं। तो उसका आंसर क्या होगा, एलोपैट्रिक होना चाहिए, ठीक है। और अगर सेम में रहेंगी तो सिम्पैट्रिक हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। सो ऑप्शंस आर बायो स्पीशीज़, एलोपैट्रिक स्पीशीज़, सिम्पैट्रिक सिबलिंग या ये। तो हमारा आंसर क्या था, बी एलोपैट्रिक स्पीशीज़ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22, पॉलीप्लॉइडी इज़ इंड्यूस्ड थ्रू। तो पॉलीप्लॉइडी कौन इंड्यूस करता है, कॉल्चिसिन, इथिलीन, इरेडिएशन, म्यूटाजेनिक केमिकल्स। तो आंसर है कॉल्चिसिन। ये क्या करता है, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स का मतलब उसको अरेस्ट कर लेता है, वहीं पर डिवीजन रोक देता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23, विद इन अ जीन, जीन के अंदर रिकॉन क्या है। कल भी ये क्वेश्चन आया था, तो रिकॉन नाम से मैंने क्या बताया था, रिकॉम्बिनेशन, क्रोमोजोमल रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, ये हो जाएगा इसके लिए।
बाकी न्यूटॉन तीन थे ना, सिस्ट्रॉन, रिकॉन, न्यूटॉन और रिकॉन। तो रिकॉन क्या कर रहा है, रिकॉम्बिनेशन, न्यूटॉन म्यूटेशन और सिस्ट्रॉन स्ट्रक्चरल जीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 24 क्वेश्चन कह रहा है कि अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए है 18% साइटोसाइन एंड परसेंटेज ऑफ अदर बेसिस विल बी। तो ये बहुत ही सिंपल है, आई होप आप सभी को पता भी होगा, बट चलो ठीक है हम भी एक बार इसको सॉल्व करते हैं, मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ए टी डबल बॉन्ड के साथ है, सबको पता है। जी सी ट्रिपल बॉन्ड के साथ है। अब यहाँ पे हमें सी का दे रखा है, यानी कि ये 18% है, ठीक है सी वाला। तो आप सभी को ये रूल पता होगा कि मतलब इस साइड वाला वैसे मत लिख लेना, ए अपॉन टी और जी उधर सी, नहीं नहीं ऐसे मत लिखना, ऐसे ही लिखना। और ये बस ध्यान रखना कि इधर भी 50% होना चाहिए और इस साइड वाला जो है वो भी 50% होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है फालतू का। तो देखो अगर सी हमारे पास 18% है तो टी कितना बच गया, 32% हो गया, और ए और टी जो दोनों बराबर हैं तो ए इधर कितना 32 हो जाएगा और सी कितना हो जाएगा, ये भी 18% आ जाएगा। तो क्लियर हो गया ना यहाँ पे, कलर ही चेंज कर दूँ क्या, ये देखो 32% हो गया, ये भी 32 हो गया, ये 18 और ये 18। तो उस हिसाब से जो बाकी बेसिस का पूछ रहा था वो ए टी 32 और जी 18 हो जाएगा, यानी कि सी जो है वो हमारा आंसर निकल के आता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए इन द सेल। तो ए बी सी जेड ई बहुत तरीके के हैं, बाकी इन पे डिटेल में कभी और बाद में डिस्कशन करेंगे, बिकॉज आई एम ऑलरेडी एक्सीडिंग 40 मिनट्स अबव, ठीक है मेरी क्लास 40 मिनट से ऊपर की हो चुकी है। तो ये क्या हो जाएगा, बी डीएनए हो जाएगा। बाकी इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा चलो बता ही देती हूँ थोड़ा सा क्या है, नहीं होगा तो 30 क्वेश्चन ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखो बच्चे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ डीएनए की अगर बात करते हैं तो दो तरीके के होते हैं, राइट हैंडेड डीएनए, लेफ्ट हैंडेड डीएनए। राइट हैंडेड मतलब कि जिसमें क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग होती है, ठीक है, तो वो राइट हैंडेड हो जाएगा। जिसमें एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग होगी वो लेफ्ट हैंडेड हो जाएंगे। तो राइट हैंडेड जो है वो ए बी सी डी, ये जो जितने हैं ये सारे, सॉरी ए बी सी डी, ये सब कैसे वाले हैं, राइट हैंडेड वाले हैं। सिर्फ एक जेड जो है वो कैसा होता है, लेफ्ट हैंडेड डीएनए, यानी कि ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज इसकी ट्विस्टिंग होती है या कॉइलिंग होती है। बाकी इस पर थोड़ा और डिटेल में फिर हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे या फिर मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगी अपने चैनल पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, स्पिंडल फॉर्मेशन, ठीक है स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम में किस पर डिपेंड करता है। तो वो कैल्शियम और प्रोटीन होती हैं जिसकी वजह से ये काम होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज डिवाइड ऑफ डीएनए येट इट इज़ कैपेबल ऑफ डुप्लीकेशन। इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें डीएनए नहीं है बट फिर भी वो डुप्लीकेशन का काम करता है। तो प्लाज्मिड के पास है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी है, सेंट्रियोल के पास नहीं है, न्यूक्लियस के पास तो डेफिनेटली है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के बारे में एक स्पेशल फीचर पता है आप सभी को कि ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, ओनली द फीचर ऑफ एनिमल सेल, ठीक है प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मीजोजोम्स आर नॉट एसोसिएटेड विद। मीजोजोम्स का फंक्शन क्या क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है डीएनए रेप्लिकेशन, सही है रेस्पिरेशन भी सही है। यहाँ पे आंसर क्या निकल के आता है, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो मीजोजोम्स नहीं करते हैं। मीजोजोम्स कहाँ पे पाए जाते हैं ये तो पता ही है ना, बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसकी इनफोल्डिंग्स में मीजोजोम फाउंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 29, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। अगर आप सेल का स्ट्रक्चर अच्छे से आपने स्टडी किया है तो आपको पता होगा कि सपोज करो ये सेल है, ठीक है ये क्या है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि एनिमल सेल की ही बात की जा रही है। और फिर ये अंदर क्या होता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और बाहर ये क्या है साइटोप्लाज्म है। तो दोनों के बीच में क्या है, टू लेयर्ड मेम्ब्रेन है ना न्यूक्लियस की। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था।
एक्चुअली जूलॉजी इज़ क्वाइट ईजी देन बॉटनी, मुझे ऐसा लगता है। और इसके क्वेश्चंस भी अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो भी आप थोड़ा सा अच्छे से अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आंसर इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज फाउंड इन, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहाँ पाया जाता है? इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, बाकी और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इन ऑल द सेल्स एक्सेप्ट आरबीसी, ठीक है, बाकी ऑल द सेल्स एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड आरबीसी, तो आई थिंक सी ऑप्शन विल बी मोर अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, इसमें देखो पूछ रहा है प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन, फ्रॉग में गैस्ट्रुलेशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इन एम्फियोक्सेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो ये क्वेश्चन हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी जिन बच्चों का इस टॉपिक पे कमांड होगी वो अच्छा कर सकते हैं। देखते हैं इसमें आंसर क्या है। सो ऑप्शंस आर पैसिव माइक्रोमेयर, पैसिव मैक्रोमेयर, पैसिव मीजोमेयर, पैसिव एपीमर, तो इसका आंसर जो दिया है वो है पैसिव मैक्रोमेयर, बाकी ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे इसके बारे में, सॉरी टू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, तो नेक्स्ट स्टूडेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अर्ली जॉलेस वर्टिब्रेट्स, ऑलरेडी कल वाली वीडियो में मैंने कुछ मतलब चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की थी, अगर नहीं क्लियर हुआ था तो फिर हम एक बार आज इसको थोड़ा सा जो भी मतलब कल चीज़ें मैंने ओरली बताई थी वो एक इमेज के फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी पॉज करके नोट कर लीजिए। अर्ली जॉलेस वर्टिब्रेट्स की बात की जाती है, तो सबसे पहले वर्टिब्रेट्स का हम डिवीज़न देख लेते हैं कि उनको किस किस पार्ट में कैसे कैसे डिवाइड किया गया था, देन उसके बाद में उसमें कहाँ पे क्या सारी चीज़ें आती हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में, सो काइंडली नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स। लिसन स्टूडेंट्स, हम लोग देखो वर्टिब्रेट्स को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेटा या यू कॉर्डेटा या फिर क्रेनिएटा, ठीक है, हैविंग क्रेनियम, तो स्पेशल फीचर्स जो कुछ हैं इंपॉर्टेंट वो क्या हो सकते हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, नेक्स्ट लोअर वर्टिब्रेट्स में कौन से, एक्वाटिक, हायर और फिर उसके बाद में टेरेस्ट्रियल आ जाते हैं। बाकी यहाँ पे देखो बात करते हैं तो हेड, ट्रंक, टेल, पेयर्ड अपेंडेजेस मे बी एब्सेंट और रिड्यूस्ड इन सम, बाकी देखो वर्टिब्रेटा जो है वो बेसिकली पहले दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है, द फर्स्ट वन इज एगनेथा हैविंग विदाउट जॉ एंड ग्रैंथियोस्टोमेट्स हैविंग जॉ, ठीक है, जिनके पास जबड़े होते हैं, ये क्या है विद जॉ, जिनके पास जबड़े हैं, और ये एगनेथा क्या है विदाउट जॉ है। अब जो एगनेथा है कल ही बताया था मैंने कि इनको फर्दर टू क्लासेस में डिवाइड किया गया था, ठीक है, क्लास वन एंड क्लास टू, क्लास जो था वो पहला वन क्लास फर्स्ट क्या था, ऑस्ट्रेकोडर्माई, ठीक है, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, एक्सटिंक्ट आर्मर्ड फिशेस, ठीक है, और ये कैसे हैं हमारे फर्स्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स की ही हम बात कर रहे हैं ना ऊपर, तो ये पहले प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं, और बाकी अगर इनकी बात की जाए तो ये क्या है ऑलरेडी दे आर एक्सटिंक्ट, ठीक है, अर्लीएस्ट नोन वर्टिब्रेट है, एक्सटिंक्ट है। फर्स्ट फॉसिल जो है इनके बारे में फाउंड हुआ था वो कब फाउंड हुआ था, इसको नोट कर सकते हो ऑर्डोविसियन पीरियड में, ठीक है, ऑर्डोविसियन पीरियड में इनका फर्स्ट फॉसिल जो है वो फाउंड किया गया था, और इवॉल्व ये कब हुए थे, तो ये पैलियोजोइक एरा में इवॉल्व हुए थे। बाकी ऑस्ट्रेकोज मतलब शेल्ड या फिर आर्मर्ड, इनकी स्किन जो थी वो कुछ उस टाइप की थी, इसीलिए इनको आर्मर्ड फिशेस या बोनी स्किन मतलब बोनी स्किन वगैरह थी, इसलिए इनको इस नाम से जानते हैं। बाकी ये स्मॉल थी, माउथ एंटीरोवेंट्रल था, स्मॉल थी, विदाउट जॉ एंड टीथ थी, ठीक है, बाकी इसमें भी फर्दर मतलब दो क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया था, ऑस्ट्रेकोडर्माई की बात कर रही हूँ मैं, मोनोराइना और डिप्लोराइना, मोनोराइना का मतलब होता था सिंगल मीडियन नॉस्ट्रिल ऑन टॉप ऑफ हेड बिटवीन आईज, विदाउट जॉ में पहली क्लास ऑस्ट्रेकोडर्माई थी, ठीक है, और दूसरी क्लास क्या थी, साइक्लोस्टोमेटा। अब साइक्लोस्टोम्स तो पता ही है ना, साइक्लोस्टोम्स के बारे में, साइक्लोस्टोम्स को साइक्लोस्टोम्स क्यों कहते हैं, साइक्लो वर्ड का ही मतलब क्या होता है, सर्कुलर माउथ होता है, इनकी बॉडी इलोंगेटेड है, ईल लाइक होती है, कोई पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होता है, टेल जो होती है वो डिफाई सर्कल होती है, नोटोकॉर्ड पासेस थ्रू आउट लाइफ, और भी मतलब बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे गिल्स की बात की जाए तो 5 से 6 पेयर गिल्स होते हैं,
और गिल स्लिट्स जो है वो मतलब एनसीईआरटी ने जो दे रखा है वो 6 से 15 पेयर दे रखा है, ठीक है। हार्ट टू चैम्बर हो गया, एक ओरिकल एक वेंट्रिकल, यानी कि साइनस वेनोसस और कोनस आर्टरियोसस, ठीक है, वेनस हार्ट ही है। दो मेसोनेफ्रिक किडनी है, 8 to 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स वगैरह आ जाती हैं। बाकी बस यही सारी चीज़ें हैं। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके का देखने को मिलता है। और ये स्पेशल फीचर है एक्टोपैरासाइट ऑन स्मॉल फिशेस। ऑलरेडी मैंने जो एनिमल किंगडम करवाया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन है। यू गाइस कैन गो एंड वॉच इट वंस अगेन। फिर एग्जाम्पल्स मतलब यहाँ पे दिए ही हुए हैं कि लैम्प्रेज ऑन हैज फिशेज, ये फर्स्ट लिविंग वर्टिब्रेट्स हैं, ये वाले प्रिमिटिव थे, ये लिविंग हैं। फिर हम बात करते हैं गैनेथोस्टोमेटा की, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। ग्रेथों को फिर से दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इधर अपन ने क्या किया था, क्लास 1 क्लास 2 में, लेकिन यहाँ पे फिर से इनको सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ आपको क्लास 1 एंड क्लास 2। और क्लास 1 जो है वो क्या है, पाइसेस, एंड द सेकेंड वन इज टेट्रापोडा। पाइसेस में फिर हमारी फिशेज आ जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, इसमें देखो फर्दर 3 क्लासेस हैं, क्लास 3 क्लास 4 एंड क्लास 5। क्लास 3 जो है इसको हम लोग प्लेकोडर्मा ही कहते हैं, क्लास 4 है कॉन्ड्रिक्थीस, ये वो वाली है ना जिनमें जबड़ा प्रेजेंट है, और थर्ड वाली जो है वो मतलब फिफ्थ वन इज ऑस्टिक्थीस। तो प्लेकोडर्माई एक्सटिंक्ट है, मतलब ये कौन सी थी, बिना जबड़े वाली एक्सटिंक्ट थी ऑस्ट्रेकोडर्माई, और प्लेकोडर्माई कैसी हैं, एक्सटिंक्ट फिशेस विद प्रिमिटिव जॉ, मतलब जॉ तो आया बहुत प्रिमिटिव भी था लेकिन ये क्या है, एक्सटिंक्ट है। तो अगर कोई पूछे कि फर्स्ट प्रिमिटिव जॉड वर्टिब्रा, ठीक है, पहली प्रिमिटिव जबड़े वाले वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं फिशेस में, तो वो कौन सा है, तो प्लेकोडर्माई आ जाएगा, ठीक है। और कॉन्ड्रिक्थीस ऑस्टिक्थीस का तो पता है, कॉन्ड्रिक्थीस को ही और किस नाम जानते हैं, इलाश्मो ब्रांच फिशेज वगैरह होती हैं, यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेज हो गई, जिसमें सारी शार्क रेज स्केट्स वगैरह ये सब आ जाती हैं। और ये कैसी हैं, फर्स्ट लिविंग जॉड वर्टिब्रा, ये तो एक्सटिंक्ट हैं, ये वाले लिविंग हैं, ठीक है, ठीके? ये चीज़ याद रखो। और फिर इसके बाद इसमें देन नेक्स्ट वन इज ऑस्टिक्थीस। ऑस्टिक्थीस की जब बात करते हैं तो इनको और किस नाम जानते हैं, टीलियोस या बोनी फिशेस। जो लोग मतलब फिश वगैरह ईट करते हैं उनको पता होगा कि इनमें क्या होती हैं, बोन्स होती हैं, ठीक है, ठीके? तो रोहू कटला और भी इस तरीके से जो इंडियन फ्रेश वाटर फिशेज हैं वो सब इसमें किस में आ जाती हैं, ऑस्टिक्थीस में आ जाती हैं। और बाकी यहाँ पे ये सारी कार्टिलेजिनस और ये सब हो जाएंगी। तो आई होप ये चीज़ अभी तक क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि ऑलरेडी क्लास 1 क्लास 2 देन पाइसेस के लिए क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5, ठीक है। और टेट्रापोडा को भी थोड़ा सा मैं बता ही देती हूँ। टेट्रापोडा में आगे वही है, टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब पैर, जिनके आगे फिर 4 पैर आ जाते हैं, जैसे एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। क्लास 4 5 6 7 मतलब 6 7 8 9 9 क्लासेस आ जाती हैं। 5 तक यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, 6 7 8 9, तो 4 पैर वाले एम्फीबियन रेप्टाइल्स एप्स एंड मैमल्स। ये चीज़ें थी मतलब थोड़ा सा, बाकी यहाँ पे जो हमारा आंसर निकल के आता है वो क्या है, ऑस्ट्रेकोडर्माई। जॉलेस, जॉलेस मतलब एगनेथा की बात की जा रही थी, ठीक है, और वो भी अर्ली वाले, तो ऑस्ट्रेकोडर्म्स हमारा आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, द स्विफ्ट लोकोमोशन इन सीपिया एंड ऑक्टोपस इज अफेक्टेड बाय। जो सीपिया और ऑक्टोपस हैं मतलब मोलस्का वाले फाइलम से, उस उनके मतलब जो बहुत तेज गति होती है ना, मतलब एकदम से ऐसे बहुत जेट प्रोपल्शन की तरीके से, मतलब वो एकदम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो वो क्यों होता है। अ फास्ट मूविंग नेबरिंग एनिमल मतलब एक तेज गति से चलने वाले पड़ोसी जानवर से, अंडुलेशन ऑफ देयर ओन लेटरल फिंस, नई लेटरल फिंस तो होती ही नहीं है, लैशिंग मूवमेंट ऑफ देयर सिफेलिक आर्म्स मतलब उससे वो जेट जैसा तो नहीं ना वो कर पाएगा, वाटर इन जेट एक्सपल्शन थ्रू साइफन, ठीक है, ये वाला प्रोसेस इसमें रहता है। मोलस्का फाइलम जिन्होंने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा होगा तो ये फीचर आपने ज़रूर पढ़ा होगा वहाँ पे। तो 33 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन कह रहा है कि
द फोर्थ जुवेनाइल स्टेज ऑफ एस्केरिस इज फाउंड इन द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द होस्ट। ठीक है, एस्केरिस की बात की जा रही है, तो इसका फोर्थ मोल्टिंग बताना है हमें कि कहाँ पे होता था। तो इसमें चार बार मोल्टिंग होती है, ये तो पता ही है। सो बिफोर एक्सप्लेनिंग द गिविंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट मी एक्सप्लेन दिस प्रोसेस। ठीक है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फर्दर अपकमिंग एग्जाम्स। तो एक बार हम इसको देख ही लेते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम ही लग जाएगा, बट डोंट वरी। एक्चुअली ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैंने मतलब फिर से इसको नहीं रीराइट किया है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, नहीं भी क्लियर हो रही हैं सो यू गाइज जस्ट फोकस ऑन माई वॉइस, नॉट फॉर द इमेज। बाकी देखते रहिए साथ साथ में, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। हैव पेशेंस। देखो यहाँ पे मेल एस्केरिस फीमेल एस्केरिस, क्रॉस कॉपुलेशन हो गया। क्रॉस कॉपुलेशन के बाद में क्या बनता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब हुआ, और फिर किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। बातों को सुनते रहो ध्यान से, मतलब समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब ये काम क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ, तो ये कहाँ फीमेल क्या है, मतलब ह्यूमन की इंटेस्टाइन में है, ठीक है। इस तरीके से याद रखो कि मेल फीमेल दोनों ह्यूमन की इंटेस्टाइन में पड़े हुए हैं और वहाँ पे मैच्योर हुए, क्रॉस कॉपुलेशन हुआ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही हो जाता है वहाँ पे, फिर जाइगोट बनता है। जो जाइगोट इनका बनता है वो क्या करता है, आउटसाइड आता है। कैसे आता है, किस फॉर्म में, फीकल मैटर के साथ वो क्या करता है, बाहर आ जाता है। और वो मतलब कितने तक पे सर्वाइव कर सकता है, 85 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पे वो सर्वाइव करता है। फिर उसके बाद में जाइगोट था तो सीधी सी बात है उसमें क्लीवेज होगा, फिर क्या बनता है, मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्टूला, मतलब सारी चीज़ें बनती हैं। और फिर उसके बाद में वो लार्वा में चेंज हो जाता है। तो अब ये क्या बना, यहाँ से फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा बनता है, ठीक है। गैस्टूला के बाद फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और फर्स्ट रैपडिटी फॉर्म लार्वा। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि रैपडिटी फॉर्म लार्वा किसका है, तो आपको अब तो आंसर मिल गया ना, क्या है वो, एस्केरिस का है, ठीक है। अब जो फर्स्ट रैपडिटी फॉर्म लार्वा है, काइंडली नोट डाउन, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये कैसा है, नॉन इन्फेक्टिव है और रेस्ट फॉर 1 वीक, मतलब एक हफ्ते और वहीं पड़ा रह सकता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, मिट्टी में ही है, क्योंकि फीकल मैटर आप सीधी सी बात है सॉइल में रिलीज कर रहे हो, उनके बात नहीं कर रहे जो पॉड पे जाते हैं, ठीक है, जो खेतों में जा रहे हो। एक बार के लिए थोड़ा सा सिचुएशन को मतलब समझने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए मान लो। फिर एक हफ्ते तक ये वहाँ पे पड़ा रह गया, उसके बाद में क्या है, इसकी फर्स्ट मोल्टिंग होती है, वो भी कहाँ पे हो रही है, फर्स्ट मोल्टिंग इसकी सॉइल में हो रही है, ठीक है। और इस मोल्टिंग के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्डाइसिस, ठीक है। और हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, एग्डाइसोन। मोल्टिंग या एग्डाइसिस के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं एग्डाइसोन, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और ये कैसा है, एक तरीके का स्टीरॉयडल हार्मोन होता है, स्टीरोन, ठीक है। तो जाइगोट मतलब स्टमक में बना, फिर फीकल मैटर के थ्रू बाहर आता है, वहाँ पड़ा रहता है, डिवीजन वगैरह होता है, क्लीवेज एंड ऑल। फिर उसके बाद में फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा बनता है, उसको क्या बोलते हैं, रैपिडिटी फॉर्म लार्वा बोलते हैं। फिर रैपिडिटी फॉर्म लार्वा नॉन इन्फेक्टिव होता है, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ये, साथ साथ में देखते रहो कैसा है नॉन इन्फेक्टिव, क्योंकि कई बार चार स्टेजेस दे करके आपको पूछ लेगा कि विच वन इज़ नॉन इन्फेक्टिव या विच वन इज़ इन्फेक्टिव, ठीक है। तो नॉन इन्फेक्टिव होता है, रेस्ट फॉर 1 वीक, एक हफ्ते के लिए वो मिट्टी में पड़ा रहता है। उसके बाद में पहली मोल्टिंग जो है उसकी, मतलब पड़े पड़े भी सोचता होगा, अरे यार मैं तो कितना बोर हो गया, चलो कुछ नया किया जाए लाइफ में, ठीक है। फिर वो क्या करता है, मोल्टिंग आती है उसमें, पहली बार मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग मतलब जो प्रोसेस है, एग्डाइसिस हुआ, वो भी कहाँ पे, अभी सॉइल में ही पड़ा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट मोल्टिंग हो रही है, फर्स्ट मोल्टिंग के बाद में मतलब वो क्या हो गया, सेकेंड जुवेनाइल, या फिर सेकेंड रैपिडिटी फॉर्म लार्वा में चेंज हो जाता है। ये देखो सेकेंड जुवेनाइल या सेकेंड रैपिडिटी फॉर्म लार्वा में वो चेंज हो गया। ये काम भी कहाँ हो रहा है, मतलब मिट्टी में ही पड़ा था ना, मिट्टी में ही पड़े पड़े एग्डाइसिस करता है और फिर सेकेंड जुवेनाइल या सेकेंड रैपिडिटी फॉर्म लार्वा में चेंज हो गया। अब ये कैसा हो गया भाई साहब, अब इन्फेक्टिव हो गया है, अब तक तो एकदम सीधा साधा छोटा सा बाबू की तरह पड़ा हुआ था, लेकिन अब कैसा हो गया है, इन्फेक्टिव हो गया है, ठीक है। अब ये इन्फेक्शन कॉज करेगा, इन्फेक्टिव इन नेचर हो जाता है, क्या कर रहा है, कॉजेस इन्फेक्शन वाया कंटेमिनेटेड फूड वाया सॉइल। अब ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, मतलब
कंटेमिनेटेड फूड यूज़ कर रहे हो, कंटेमिनेटेड सॉइल वगैरह, इस तरीके से छोटे बच्चे ना मिट्टी विट्टी बहुत जल्दी बस देख ही नहीं उठा के कप से मुंह में, ठीक है, तो इसलिए नहीं खाने देना चाहिए। मतलब अच्छी जगह खिलाओ पिलाओ उन्हें, ये नहीं कि हाँ मिट्टी खिलाओ, लेकिन हाँ कैल्शियम डिफिशेंसी होती है इसलिए बच्चे मिट्टी खाते हैं। तो अब ये सेकेंड जुवेनाइल कैसा हो गया, एकदम इफेक्टिव हो गया कि हाँ मतलब अब ठीक है, अब मैं बच्चा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया, ठीक है। और ये काम भी कहाँ पे ही हुआ है, याद रखना, सॉइल में ही हुआ है। पहला वाला भी सॉइल में था, दूसरा वाला भी सॉइल में होता है। और आप सोच रहे होगे कि कंटेमिनेटेड फूड कैसे, मक्खियाँ होती हैं ना हमारी अच्छी खासी, मतलब फ्री की मैसेंजर होती हैं, फ्री की वेक्टर होती हैं, कुछ भी यहाँ से उठा के फालतू के काम करना है, यहाँ से उठा के वहाँ ले जाएंगी और फिर चिपका देंगी तुम्हें, तो ये चीज़ हो जाती है। अब देखो ये क्या कर रहा है कि आपने कुछ भी जैसे ठेले से चाट बतासे खा लिए, समोसे खा लिए, रबड़ी वबड़ी खा ली, मतलब ऐसे ना चीज़ें लोकल वाली जो होती हैं लोकल हॉकर्स की, मैं किसी को ये नहीं बोल रही कि हाँ वो ठीक नहीं होता है, बट प्रॉपर देखो कि उसने ठीक से ढका हुआ है, मतलब प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखो, तभी इन सब चीज़ों को आप खाया करो। स्पेशली गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हम अपन क्या करते हैं, एक बार जाके 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये के गोलगप्पे खा के आ जाते हैं और उसके बाद फिर टाइफाइड के इंजेक्शन लगवाते फिरते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा लार्वा, अब भाई सेकेंड जुवेनाइल स्टेज में आ गया और इन्फेक्टिव नेचर का हो गया। हमने क्या किया, गंदा समोसा खा लिया या फिर गंदे बतासे खा लिए, उसके बाद क्या किया, ये क्या कर रहा है देखो, माउथ टू माउथ से हमारे इंटेस्टाइन में ये पहुंच जा रहा है, ठीक है। अब इंटेस्टाइन से क्या कर रहा है, ध्यान से देखते जाना इस चीज़ को, इंटेस्टाइन से फिर लीवर में आ जाएगा, लीवर में आया तो लीवर से हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू होते हुए ये कहाँ पे, हमारे हार्ट में भी चला जाता है, ठीक है। सोचो कहाँ कहाँ फ्री में एकदम यात्रा कर रहा है, फिर हार्ट में आने के बाद में पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये कहाँ जाता है, लंग्स में चला जाता है, और लंग्स में जा कर के इसको फिर से मतलब सोचता है अरे यार बहुत चल रही है आप, चलो थोड़ा आराम किया जाए, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये लंग्स में आ जाता है, तो यहाँ पर इसकी सेकेंड और थर्ड मॉल्टिंग होती है, ठीक है। शब्दों को थोड़ा सा बच्चे ध्यान से सुनिएगा आप सभी, मॉल्टिंग, सेकेंड और थर्ड मॉल्टिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसकी मॉल्टिंग हो रही है, मतलब फिर से ये अपना रूप परिवर्तित कर रहा है। यहाँ पे देखो सेकेंड क्या था, मतलब फर्स्ट मॉल्टिंग के बाद ये सेकेंड जुवेनाइल या सेकेंड रेबडिटी फॉर्म लार्वा में चेंज हो रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेकेंड और थर्ड मॉल्टिंग मतलब लंग्स में पड़े पड़े, मतलब बस सोच रहा है कि आज सफारी पहनता हूँ, आज ये पहनता हूँ, ठीक है, इस तरीके से क्या कर रहा है, ये अपने मॉल्टिंग कर रहा है। उसके बाद देखो क्या होता है, सेकेंड थर्ड मॉल्टिंग लंग्स में हो गई। अब लंग्स में देखो जब थर्ड बार मॉल्टिंग हो जाएगी, पहली बार हुई थी तो फर्स्ट रेबडिटी फॉर्म लार्वा बना था, पहली बार देखो जब यहाँ पे इसकी मॉल्टिंग होती है तो सॉरी मतलब ये मिट्टी में आने से आया था, तभी ये क्या है, पहला जुवेनाइल लार्वा या रेबडिटी बन गया था, ठीक है, पहला तो मिट्टी में ही बन गया था, फिर एक हफ्ते पड़े रहने के बाद जब मॉल्टिंग किया था तो फिर सेकेंड जुवेनाइल या सेकेंड रेबडिटी फॉर्म लार्वा बना था। उसके बाद में यहाँ पे अब क्या है, सीधी सी बात है कि कैसा वाला, थर्ड वाला रेबडिटी फॉर्म लार्वा बनेगा, ठीक है, रेबडिटी लार्वा थर्ड वाला यहाँ पे बनता है, कहाँ पे, लंग्स में बन रहा है, लंग्स में सेकेंड थर्ड मॉल्टिंग हो रही है और लंग्स में ही ये उसमें बन रहा है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो लंग्स में जब सेकेंड मॉल्टिंग हो रही है, ठीक है, काइंडली नोट डाउन, जब सेकेंड मॉल्टिंग होगी तो थर्ड रेबडिटी लार्वा बन रहा है, और जब थर्ड मॉल्टिंग होगी तो फोर्थ रेबडिटी फॉर्म लार्वा बन रहा है, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है बच्चे, लंग्स में हो रहा है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ। देखो फिर से सुन लो एक बार, जाइगोट था मतलब किसी भी होस्ट के इंटेस्टाइन में था, वहाँ से वो बाहर आया, फीकल मैटर के थ्रू बाहर आया, अभी ये सॉइल में ही पड़ा हुआ है, सॉइल में पड़े पड़े इसमें मतलब जो उसका जाइगोट था उसमें चेंजेस हुए, क्लीवेज हुआ, मोरूला ब्लास्टूला गैस्ट्रूला तक सारा काम हो गया, और फिर उसके बाद वहाँ से वो पहला रेबडिटी फॉर्म लार्वा बनेगा, ठीक है, फर्स्ट लार्वा या फर्स्ट जुवेनाइल फॉर्म ये थी, नॉन इन्फेक्टिव, रेस्ट करता है एक हफ्ते के लिए, फिर उसे सॉइल में ही पड़े पड़े इसकी पहली बार मॉल्टिंग हो जाती है, ठीक है। मॉल्टिंग कहाँ पे हो रही है, सॉइल में हो रही है, ये इम्पोर्टेंट है इसको,
मार्क करो, पहली मोल्टिंग सॉइल में हो रही है, दूसरी तीसरी मोल्टिंग कहाँ पे हमने देखा, लंग्स में हो रही है। जब पहली मोल्टिंग हुई तो क्योंकि ऑलरेडी एक बार तो ये एक जुवेनाइल फॉर्म इसकी आई चुकी थी, तो पहली जुवेनाइल फॉर्म पहला रेबडिटी लार्वा हुआ। फिर उसके बाद में फर्स्ट मोल्टिंग के बाद सीधी सी बात है अब सेकेंड जुवेनाइल बनाएगा ये, ठीक है, सेकेंड जुवेनाइल, सेकेंड आरएल। उसके बाद में फिर यहाँ से ये सेकेंड आरएल तक हो चुका था, मोल्टिंग एक बार ही हुई थी। अब सेकेंड मोल्टिंग और थर्ड मोल्टिंग लंग्स में होती है, सेकेंड मोल्टिंग पे थर्ड आरएल बन रहा है और थर्ड मोल्टिंग पे फोर्थ आरएल बन रहा है, और ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, लंग्स में हो रहा है। उसके बाद में ये लंग्स के थ्रू देखो कहाँ जा रहा है, वाया लंग्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाया लंग्स, लंग्स के थ्रू ये ट्रेकिया में चला जाता है, ठीक है। और फिर ट्रेकिया से ये कहाँ जा रहा है, देखो एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस से होते हुए ये क्या कर रहा है, जो गलट की ओपनिंग है वहाँ से ये इसोफेगस में चला जाता है, ठीक है। फिर इसोफेगस से कहाँ पहुँच जा रहा है, हमारे स्टमक में पहुँच जा रहा है, ये है स्टमक, ये इसोफेगस, एपिग्लॉटिस से इसोफेगस, फिर स्टमक, और वहाँ से फिर इंटेस्टाइन में आ जाता है। और फिर यहाँ से ये क्या करता है, इंटेस्टाइन में आने के बाद में ये फिर से किस में, एडल्ट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाला भी काम कहाँ पे, इंटेस्टाइन में जब पड़ा था वहीं पे, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, कन्वर्ट इनटू एडल्ट। तो थर्ड मोल्टिंग यहाँ तक हो गई थी। अब जो इसका माइग्रेशन की अगर बात करते हैं, तो फर्स्ट माइग्रेशन जो था वो इसका क्या था, मतलब कि माउथ इंटेस्टाइन से लंग्स में, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट माइग्रेशन इसका इंटेस्टाइन टू लंग हुआ था, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। फर्स्ट माइग्रेशन इंटेस्टाइन टू लंग, यानी कि माउथ से इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ से जब लंग्स में गया तो पहला माइग्रेशन हुआ। अब लंग्स में पड़ा था, लंग्स से कहाँ पहुँच रहा है, फिर इंटेस्टाइन में पहुँच रहा है, ठीक है। लंग्स से ये कहाँ जा रहा है, सीधे इंटेस्टाइन में, मतलब इस प्रोसेस के थ्रू जो गया, तो ये जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका सेकेंड माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है। लंग से इंटेस्टाइन सेकेंड माइग्रेशन हुआ, और यहाँ पर ये फाइनली किस में चेंज हो जा रहा है, इसका फोर्थ मोल्टिंग, चौथी मोल्टिंग भी हो रही है, चार बार मोल्टिंग किया है ये, और चौथी बार मतलब फाइनल मोल्टिंग इसकी कहाँ पे, इंटेस्टाइन में होकर के ये फिर से एडल्ट बना लेता है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग गया है, बट कोई बात नहीं, काम की चीज़ है, इसको नोट कर लेना अपने खुद के, मतलब अपनी ओन हैंडराइटिंग में, और इसको दो तीन बार पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। बाकी कुछ नहीं, वही सब है। माइग्रेशन के लिए अगर बात की जाए तो माइग्रेशन 3 हफ्ते तक, 8 से 10 हफ्ते में रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आती है, और लाइफ स्पैन की बात करें, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, तो 9 से 12 महीने इसका लाइफ स्पैन होता है। बाकी कॉज क्या क्या करता है, तो मतलब जब ये एबरेंट माइग्रेशन होता है ना वाया लंग्स, यानी कि फ्रॉम लंग्स से टू बॉडी के और भी मतलब अदर अदर पार्ट्स में भी ये चला जाता है, तो क्या करता है, कॉजेज इन्फ्लेमेशन, जैसे कि आईज में, स्प्लीन में, हर्ट में, या फिर ब्रेन में, ठीक है, कहीं भी चले जाते हैं। एबरेंट माइग्रेशन का मतलब होता है मन मौजी अपने हिसाब से कहीं भी चला गया। तो समझ में आई, बाकी यही सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, पहला मोल्टिंग कब हुआ, पहला रेबडिटी फॉर्म लार्वा कहाँ बना, उसका नेचर कैसा है, इन्फेक्शियस है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें ऐसे करके इसको आराम से इसको आप सभी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अब तो क्वेश्चन टफ नहीं लग रहा होगा ना, फोर्थ जुवेनाइल स्टेज पूछ रहा है एस्कैरिस का, वो कहाँ पे है, सीधी सी बात है लंग्स में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम जो है वो क्या है, ऑलरेडी टेप वॉर्म है और प्लेटीहेलमिंथेस का मेंबर है, ठीक है। मेंबर है मतलब ऐसे बता रहे हैं कि हाँ भाई क्या मेंबर है, ठीक है, ऐसा लग रहा है सार्क या फिर मतलब ब्रिक्स का मेंबर है, लेकिन है मेंबर, ठीक है, और डेफिनेटली किसी फाइलम में अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे फीमेल की बात की जा रही है, तो फीमेल देखो ओ टाइप, वेजाइना, यूट्रस तीनों होगा, ये साइरस सैक नहीं होगा। अब इसको डिटेल में नहीं ले जाएंगे, बहुत ऑलरेडी हम लोग टाइम की मैंने अति पार कर दी है। तो साइरस सैक है ये मेल में होता है, ठीक है, मतलब स्यूडोपेनिस की तरीके से ये काम करता है, बस इतना समझ लो।
तो 35 यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन कह रहा है कि वुचरेरिया कॉजेज, वुचरेरिया क्या कॉज करता है। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे रिलेटेड मतलब कुछ और डिजीजेज हैं मैंने लिखी हुई हैं, वो तुम लोगों को दिखा देती हूँ, उसको नोट कर लो, इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए। और हाँ एक चीज़ और इसके मतलब एस्कैरिस के बारे में ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मतलब होता कहाँ है, छोटी आंत में होता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि कहाँ पे ये डिजीज़ कॉज करता है, एस्कैरिएसिस, नाम में ही आगे और लगा दो SIS, ठीक है, एस्कैरिएसिस SIS, लोअर एब्डोमेन में रहता है और वहीं पे मतलब लोअर एब्डोमिनल पेन कॉज करता है, नोजिया वगैरह होता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए चीनोपोडियम ऑयल और एल्कोपार ड्रग, ये दो मतलब बड़ा वैसा जाना माना टाइप का इलाज है जो मेंशन किया गया है किताबों में, बाकी एग्जैक्टली तो डॉक्टर्स को ही पता है कि हाँ क्या चीज़ें इसमें दी जाती हैं। हाँ तो हम बात किसकी कर रहे थे, वुचरेरिया की बात कर रहे थे। सॉरी मैंने लिखा नहीं है, थोड़ी आलसी हूँ मैं भी, बट सुन लो तुम लोग, ठीक है, और साथ साथ में लिख लो। निमेटोड्स की अगर बात करते हैं, अच्छा चलो एक पेपर पे समझा ही देते हैं यार, कितना टाइम लगेगा। सो फाइनली मैंने लिख ही दिया आप सभी के लिए, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कर सकते यहाँ पे। तो देखो निमेटोड्स जो हैं उनको हमने मतलब फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होते हैं मोनोगेमेटिक, आई होप विजिबल होगा आपको, अरे हटो भाई। दूसरा होता है डाइजेनेटिक, मोनोजेनेटिक का मतलब होता है जेनेटिक है, सॉरी मैंने गेमेटिक बोल दिया था, मोनोजेनेटिक डाइजेनेटिक। मोनोजेनेटिक का मतलब है कि दे स्पेंड देयर लाइफ स्पैन ऑन ओनली सिंगल होस्ट, और डाई वाले में वो उनको टू होस्ट की नीड होती है। अब जैसे इसकी सिंपल सी ट्रिक है जो मैंने जो जिस तरह से मैंने याद किया है मैं वही बता रही हूँ, कुछ नया नहीं आपके लिए। मैंने ऐसे याद किया था HTTP मोनो, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ना कंप्यूटर में, वैसे मैंने याद कर लिया था, आप लोग भी याद कर सकते हो। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहला एग्जांपल जो आता है वो हमारा है हुक वॉर्म्स, ठीक है, ये कहाँ पे इंटेस्टाइन में होते हैं, और ये भी मतलब जो ह्यूमन में रहता है उसको बोलते हैं एनसाइलोस्टोमा ड्यूडिनल, ठीक है, और कुछ डॉग में भी पाए जाते हैं जिसको नेक्टर अमेरिकेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ज़रूरत है तो इसको याद कर लो, नहीं तो ह्यूमन वाला तो याद ही कर लो। उसके बाद में दूसरा वाला ये है ट्राइच्यूरिस, जिसको हम लोग विपवॉर्म बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है ट्रिचिनेला स्पाइरेलिस, इसको हम लोग ट्रिचिनिया वॉर्म के नाम से भी, ट्रिचिना वॉर्म के नाम से जानते हैं, और ये कहाँ पे फाउंड होता है, हमारे वॉलेंट्री मसल्स में, और ये कैसा होता है, वीवी पैरिस होता है। जूम कर दूँ क्या इसको, चलो ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, हाँ अभी दिख रहे हैं, अभी सही है। और फोर्थ वाला जो है ये क्या है हमारा, पिन वॉर्म या सीट वॉर्म कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे पाया जाता है बच्चे, इलियोसिकल रीजन में पाया जाता है। और साथ ही साथ ये क्या है, इसको किस नाम से जानते हैं, एंटरोवियस वर्मिक्यूलरिस, ठीक है। तो ये चार जो थे हमारे वो क्या हो गए, एनसाइलोस्टोमा ट्राइच्यूरिस पढ़ेंगे एक्चुअली, सॉरी, विपवॉर्म, ट्रिचिनेला स्पाइरेलिस, ट्रिचिना वॉर्म, और यही क्या है, सिर्फ यही थर्ड वाला, यही इंपॉर्टेंट है, ये वीवी पैरिस है यहाँ पे, मोनो के केस में भी ये वीवी पैरिस है, और बाकी पेन वॉर्म हो गया। अब उसके बाद चलते हैं डाइजेनेटिक वाले में। डाइजेनेटिक वाले का जो ट्रिक है वो कुछ मतलब बहुत नहीं है, WDL डाई ऐसे करके मैंने वो किया था, लर्न किया था। तो सबसे पहले जो W से आता है वो कहलाएगा हमारा, पहला है वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, ठीक है, W से वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, और ये क्या कहलाता है, और फाइलेरियल वॉर्म के नाम से भी इसको जानते हैं, फाइलेरियल वॉर्म। ये कैसा होता है, वीवी पैरिस होता है, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे ये वीवी पैरिस है और इधर वाले में कौन सा था, ट्रिचिनेला वीवी पैरिस है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा मतलब फोकस कर रही हूँ आपको। और इसका भी प्राइमरी होस्ट क्या है, ह्यूमन है, और सेकेंडरी होस्ट जो है वो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है, ठीक है, वो भी डिजीज्ड होगी जो वही मतलब उसको कॉज करेगी, सीधी सी बात है, ये जिसमें जाएगा तो उसको डिजीज़ कर ही देगा। और साथ ही डिजीज़ जो है ये कौन सी कॉज कर रहा है, एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव हो जाता है ना, आपने मतलब NCERT में इमेज में भी देखा होगा। तो क्यों होता है कि स्वेलिंग इन लोअर लिम्फ नोड्स, और जो बॉडी का लोअर पोर्शन होता है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। इसका लार्वा जो है वो फाइलेरियल वॉर्म कहलाएगा। बाकी इसका जब इसके टेस्टिंग वगैरह करानी होती है तो ऐसा बोलते हैं कि मिडनाइट में ये ब्लड
के मतलब ये जो लार्वा है ये हमारे ब्लड के सुपरफिशियल उसमें आता है, तो आप जब ब्लड सैंपल लेंगे तो फिर ये उसमें डिटेक्ट हो सकता है। मतलब इसकी सैंपलिंग के लिए हमें रात में आपका ब्लड लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद में दूसरा है ड्रैकनकुलस, ड्रैकन DRACUN, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, फेरी सर्पेंट या फिर मेडिना वॉर्म या गिनी वॉर्म, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा चमकीला सा सांप की तरह से दिखाई देता है, इसकी बॉडी पे ब्लिस्टर्स वगैरह होते हैं इसलिए ये ऐसे शाइन कर रहा होता है। तो इसका प्राइमरी होस्ट इसका मैन है, सेकेंडरी होस्ट साइक्लोप्स। साइक्लोप्स क्या है? हार्डमानिया का फेवरेट फूड, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल है लोवा लोवा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई वॉर्म बोलते हैं ना, पता ही होगा सबको। और ये क्या कॉज करता है? कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। और इसका प्राइमरी होस्ट भी मैन है, सेकेंड है ट्रेबनिड फ्लाइज, ये एक तरीके का इंसेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट नहीं कर रही क्योंकि फिर वो बहुत ब्लर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक कि अब मतलब क्लियर हो गया होगा ना, इसको ऐसे थोड़ा सा जूम कर दे रही हूँ, आप आराम से पॉज करके इसको लिख लो, ठीक है। इधर वाला हो गया, इधर वाला भी आराम से इसको बैठ के लिख लेना अपने नोट्स में। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था? क्वेश्चन में पूछा था बुचरेरिया कॉजेस, तो अब तो पता चल गया कि क्या कॉज कर रहा है, एलिफेंटियासिस, और उसकी सारी कहानियाँ भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन, वेक्टर ऑफ एलिफेंटियासिस डिजीज़, वेक्टर कौन है उसका? तो इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है। इन्फेक्टेड जो फीमेल क्यूलेक्स है वही कॉज करती है, फीमेल एनोफिलीज मत लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते करते भी कितना टाइम लग जाता है। पैरामाइलम बॉडीज़ की बात करते हैं तो ये कहाँ पे पाई जाती हैं? ये रिजर्व फूड है किसका? यूग्लिना का। ये तो मतलब कुछ क्वेश्चन जो है वो बेसिक्स होते ही हैं, बेसिक वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, क्या पूछ रहा है, विच अमोंग द फॉलोइंग प्रोटोजोवा इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोपैरासाइट। अब इसमें से एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? ट्राइकोमोनास है, ठीक है, प्लाज्मोडियम भी है, लेशमानिया भी है। इसमें ये फोर्थ ऑप्शन है ना, हाइड्रामीबा हाइड्रोक्सिना, ये नहीं है, ये एंडोपैरासाइट नहीं है। नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40th क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू विच किंगडम, माइकोप्लाज्मा किसको बिलोंग कर रहे थे? सो ऑप्शंस आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, तो ये किसको बिलोंग कर रहे थे? मोनेरा को। तो ये हमारे यहाँ पे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, बाकी एक ये 41 है, चलो इसको भी देख ही लेते हैं। ये जेनेटिक्स वाला है, इसमें पूछ रहा है कि अंबर किसको कहते हैं, तो ये मैंने बताया भी था शायद आपको कि इस तरीके से इसको याद कर लो। तीनों को बताना मुझे, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है, अंबर, ओकर और ओपल, ये तीन थे, ठीक है। अच्छा चलो मैं ही बता देती हूँ, तुम लोग भी क्या ही सोच रहे होगे, मैम होमवर्क दे देती हैं जाते जाते, है ना, वैसे ही तुम लोग देखते हो, यही तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो देखो UAG यही जो है क्या है हमारा, अंबर है, ठीक है, इसी को अंबर के नाम से जानते हैं। बाकी ये तीनों क्या है, स्टॉप कोडॉन्स है, ये तो पता ही है, टर्मिनेशन कोडॉन्स। फिर उसके बाद में ये है अंबर, दिस वन इज़ ओपल एंड दिस इज़ लास्ट वन इज़ OCHRE, ओकर, ठीक है, अंबर, ओपल, ओकर। तो यहाँ पे आंसर क्या है, UAG, यानी कि 41 का सी ऑप्शन हो जाएगा बस। तो फाइनली बस अब इसको यहीं तक वाइंड अप करते हैं, ऑलरेडी क्लास एक घंटे से ऊपर की जा चुकी है, ठीक है, लेकिन नहीं भी समझाएंगे तो मतलब कुछ नहीं है। यहाँ पे लाके क्वेश्चन को सिंपली क्वेश्चन के बाद आंसर हाईलाइट करना, दिस इज़ आई थिंक कि हाँ वो फ्रूटफुल नहीं है आप सभी के लिए। बाकी देखिएगा, कोई डाउट है तो बताना कमेंट सेक्शन में, और आपके जो भी मतलब रिस्पॉन्सेज हैं वो प्लीज़ मुझे देना, ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी के प्यारे प्यारे रिस्पॉन्सेज का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ वीडियो डालने के बाद में। और कुछ बच्चे हैं ना, आते से ही एकदम से बस आते ही आया, क्लिक किया और बस नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके चले जाते, नहीं पहले देखो, पढ़ो, सीखो, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा भी टाइम आपके लिए दे रही हूँ तो डेफिनेटली आप उसको यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ फ्री में कुछ नहीं मिलता है, इतना मान के चलो, ठीक है। बट इफ़ आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई गुड एफर्ट्स फॉर यू, सो काइंडली प्लीज़ यूटिलाइज देम, ओके। सो
बहुत हो गई बातें, अब यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर आपको मतलब ये पेपर ही सॉल्व करने हैं तो भी बताना, और फिर अगर पढ़ना भी चाह रहे हो ना जियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स, तो ठीक है यार, 20-25 लोग भी आ जाओ ना तो मैं पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, टॉपिक आप बताओगे, ठीक है, टॉपिक मेरा नहीं होगा, टॉपिक आप लोग डिसाइड करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, फिर मैं वही टॉपिक आपका एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कुछ मतलब नया, कुछ बेहतरीन आप सभी के लिए लेकर के एक और नई क्लास में, ठीक है। थैंक्स फॉर एवरीवन।